वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा। आज मंडे है, मेरे साथ रत्ना देवी जी हैं जो कि उड़ीसा से हैं। रत्ना देवी जी, आप अपनी दिक्कत बताओ और क्या दिक्कत है, क्यों आए हो और अभी कैसा लग रहा है? मैं एक साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बाद मेरा दर्द बहुत था। मैं बैठ भी नहीं सकती, कमर में बहुत दर्द था, मैं उठ भी नहीं सकती थी। बहुत जगह डॉक्टर दिखाया, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, आंध्र, बहुत जगह डॉक्टर दिखाने के बाद भी नहीं ठीक हुआ। तो इसलिए मैं फेसबुक में देखा आपका यहाँ पर, तो इसलिए उड़ीसा से मैं आई। तो अभी तक आप एक साल हो चुका है इस दिक्कत का? एक साल में 1,00,000 रुपए खर्च कर दिया बीमारी पे? हाँ, बहुत सारा पैसा खर्च हुआ। फिर वहाँ पर 10-15 दिन होटल में रुक के भी डॉक्टर दिखाया। मैं 10 दिन रुको, फिर अच्छा होगा, लेजर थेरेपी वगैरह लेने के बाद, तो फिर कुछ नहीं हुआ, फिर वही दर्द वही दर्द ही रह गई। दोस्तों, हम तो कायरोप्रैक्टिक करते हैं और आप सब लोगों को पता ही होगा कि मेरी दोनों डिग्रियां फिजियोथेरेपी में हैं। लेजर थेरेपी का यूज होता है, बट इस तरह के दर्दों में जो लोग लेजर थेरेपी करते हैं, कोई इसका यूज नहीं होता। सब लोग सोचते हैं लेजर थेरेपी पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी है जो घुमा देते हैं और ठीक हो जाता है मरीज, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो कि हाथ से काम करने से सबसे ज्यादा फायदा होता है। बस मेरे लिए एक थोड़ा सा चैलेंज यही है कि ये सिर्फ आज के लिए है। आई विश ये 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए रहती तो मुझे 1% भी डाउट नहीं रहता और ये पूरी तरह से ठीक हो जाती। मैंने इनके लिए अभी तक कपिंग की है, नीडलिंग की है और मैं एडजस्टमेंट दिखाऊंगा, लेटेंगे। इनकी जो दिक्कत है वो इसी जगह पे है ना? हाँ। दर्द इसी जगह पे होता है और ये दिक्कत इनकी एक बस एक्सीडेंट में चोट लगने के कारण हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, तो यहीं पे ये सारी दिक्कत है। हाँ, हड्डियों में इसी जगह पे। और हमें देखने पे भी मिल रहा है कि ये देखें कि थोड़ा सा इनकी स्पाइन इस तरफ लेफ्ट साइड पे बेंड करने लग गई है। पैरों की लेंथ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रीथ आउट करेंगे। देखिए ये काफी हद तक खुला है और टाइटनेस मसल्स में बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ये लेफ्ट साइड की तरफ बेंड कर रहे हैं। करवट ले लेंगे, मेरी तरफ टर्न कर लेंगे, मेरी तरफ इसको मोड़ेंगे, बाहर देंगे। कमर में भी कोई दिक्कत नहीं है, इधर आ जाइए मेरी तरफ। बिल्कुल क्लीन है, बैठिए देखिए अब कैसा लग रहा है। खड़े होके देखिए, थोड़ा सा हल्कापन लगा है, बट इनका एक पीछे से मैं दिखा दूं कि ये जो मैं बता रहा था, देखेंगे आप यहां से भी देख सकते हैं कि ये उठा हुआ है इतना हिस्सा और ये झुका हुआ है ये हिस्सा। इसी वजह से इनकी सारी जो दिक्कत आ रही है वो इसी जगह पे आ रही है। अगर मेरे पास 3-4 दिन 5 दिन रहती तो मैं इसको और ज्यादा स्टिमुलेट करके और ज्यादा एक्टिव करके करता हूँ, ये पोस्चरल चेंजेस यहाँ पे आने लगा है। और कुछ बोलना चाहोगे रत्ना जी? बैठेंगे, ठीक लगा? हाँ, अभी भी थोड़ा अच्छा लगा है ना। आप और बेटर हो जाओगे, थोड़ा सा आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, थोड़ी सी झुकने लग गई है उल्टी तरफ, है ना। ये कंधा उठ गया है सीधा वाला और उल्टा, हाँ दब नहीं गया, दबना तो नीचे की तरफ बोलते हैं, उठ गया है तो यूं हो गया है, है ना। बहुत दिक्कत, हाँ, तो फिर इसमें तकिया वगैरह लगा के फिर ऐसे बैठना पड़ा।
हाँ, आप खड़े रहने का काम ज्यादा करते हो, बैठने का करते हो ज्यादा काम? खड़े हो? खड़े रहने में कोई खड़े रहने में दिक्कत है? खड़े रहने में दिक्कत नहीं है, ज्यादातर बैठने में दिक्कत, झुकने में दिक्कत है। जब भी ये झुकती हैं तो यहाँ पे जोर आता है। तो मैं एक चीज और बोलूंगा कि आप काम करते समय घर में जूते पहन सकें, स्पोर्ट शूज, तो आपको और ज्यादा आराम मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप में से भी कोई रत्न देवी की तरह दिक्कत से परेशान है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे दो क्लिनिक हैं, दिल्ली और गुड़गांव। थैंक यू। थैंक यू रत्ना जी।